अब स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पूर्व मुख्यमंत्री का सुइसाइड पर सस्पेंस। कलिकोपुल ने खुदकुशी क्यों की? इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिकोपुल की मौत से नाराज उनके समर्थकों ने ईटानगर की सड़कों पर प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ की है। और संवाददाता अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। लगातार नारेबाजी हो रही है पेमा खांडू के खिलाफ, वहां पर फिलहाल इस स्थिति को काबू में करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? जी देखिए, फोर्स को लगाया गया है, फोर्स वहां पर कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि जो प्रदर्शन कर रही है काफी संख्या में है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। और एक सेक्शन है जो काफी ज्यादा हंगामा मचा रहा है, डेप्यूटी सीएम के घर में भी तोड़फोड़ की कोशिश हुई है, ये भी खबर हमारे पास आ रही है। और काफी संख्या में जो सवा थे उसके आसपास काफी संख्या में लोग इकट्ठा है, पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास जी किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आसपास लोग काफी संख्या में उमड़े हुए हैं जहां लोगों को काबू में करने की कोशिश हो रही है। अनुपम, क्या ये केवल नाराजगी है, क्या केवल ये प्रदर्शन है, या फिर कुछ मांगों के साथ ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और हंगामा कर रहे हैं? ये देखिए, कालिको पुल का अगर जीवन हम लोग देखें वो भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक समय बढ़ई का काम किया, उन्होंने पान बेचा, चौकीदारी की, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। तो कलिको पुल के असमय निधन पर सभी लोग हैरान हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कौन थे कलिको पुल। आपको जानकारी देते हैं, करीब 5 महीने तक अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे कलिको पुल, और अरुणाचल के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने काम करने की कोशिश की। एक बार फिर से आपको बता दें, 19 फरवरी से 13 जुलाई 2016 के बीच ये वो 5 महीने का टेन्योर था जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे। कलिको पुल जिले से वहाँ पर विधायक रहे, लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। अरुणाचल प्रदेश में कई बार उन्होंने अलग अलग विभागों में मंत्रालय संभाला। अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों के वो मंत्रालय संभालते आ रहे थे और यंग लीडर थे, और इसी वजह से लोग बेहद हैरान हैं। राजनेता के तौर पर कलिको पुल ने नॉर्थ ईस्ट में एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनका ये पूरा सफर बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। केवल 6 साल की उम्र में कलिको पुल अनाथ हो गए। 1980 से 6 साल तक कलिको गैस्ट्रिक से परेशान थे। इलाज के लिए रिश्तेदारों के आगे कलिको ने हाथ फैलाए। एक रिश्तेदार ने महज 2 रुपए तो दूसरे ने महज 5 रुपए की मदद की।